हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियोनिक व्लॉग्स। सो ये दिवाली की शुरुआत हुई है मस्ती से। मैं ऊपर अपने फ्लोर में साफ सफाई करते करते मेरे को मस्ती सूझी और मैं मम्मी और निक के ऊपर में ये ऊपर से पानी डाल रही थी और वहाँ से डायलॉग पढ़ रहा था कि दिवाली में तुम होली मना रहे हो। हेलो एवरीवन, आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना? अच्छा। सो दिवाली वाले दिन ही मेरे घर वाले आ गए थे और हम लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने अपने काम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, सफाई में ही हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। सफाई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हम 3 दिनों से सफाई करने में लगे हुए और थे। ये मम्मी डेकोरेशन करते हुए सो जैसे कि सबके घर में होता ही है, सारे फैमिली मेम्बर्स कुछ ना कुछ करके मतलब अपना काम करते हैं और मिल बांट के काम करते हैं। यही सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होता ही है फैमिली में। और ये हमारे घर का जो काके हैं, काके भाई साहब, पहला काम करते हुए डेकोरेशन का। हम 3 दिनों से लगे हुए हैं सारे के सारे घर वाले, बट इन्होंने कोई भी घर का काम में कोई भी हेल्प नहीं करा। अब ये यहाँ पर लटकन लगाने में लगे हुए हैं। अरे वाह, वेरी गुड गाइस, हैप्पी दिवाली। और मैंने सोचा था कि सुबह से व्लॉग स्टार्ट करूँगी और बिल्कुल भी मतलब क्या बताऊँ, मैं 3-4 दिनों से ना टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि घर की सफाई में सब लोग लगे हुए हैं घर में और बहुत सारे काम में बिजी हैं। काम ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं अलग अलग दिन अलग अलग व्लॉग्स बनाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। बट स्टिल मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करी है दिवाली व्लॉग बनाने के लिए और आप सबको बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आई थिंक आप लोग भी अपने अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे होंगे, लोगों को गिफ्ट्स देने में, मिठाइयाँ बांटने में और घर की सफाई करने में, सब कुछ लेकर के। अभी सुबह से लेकर के सुबह मेरे जो है ना फैमिली भी आई हुई थी, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। मैं ना शूट कर ही नहीं पा रही हूँ। रीज़न यही है कि ना काम इतना ज़्यादा है ना कि बिल्कुल भी शूटिंग का तो शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। बट जो है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग बनाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट करूँगी। और अगर आपने नहीं देखा है ये फ़ोटो जो हमारे बेड के ऊपर इस तरीके से लगा हुआ है, निक ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। इवन मैंने अभी तक अपना बर्थडे व्लॉग भी एडिट नहीं किया है, काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। बट दिवाली व्लॉग को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो हम लोग शाम को चले गए थे मार्केट में, उत्तम नगर आर्य समाज मार्केट में, और एंड टाइम पे ही हमारे सारे काम होते हैं। हम चिल कर रहे थे। गोयल सन सन पे तो नहीं जाऊंगी मैं। हाँ चल पड़ो। सो ये है बाहर की दिवाली मार्केट की। अपना लेने जा रहे हो? क्योंकि मेरे पास रंगोली कलर्स पहले से नहीं थे, इसलिए मैं मार्केट से वापस आने के बाद फटाफट से स्टेंसिल के थ्रू मैंने रंगोली फटाफट से बनाया। मैं वैसे तो हर साल हाथ से बनाती हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैंने जल्दी जल्दी करने के लिए स्टेंसिल से बना दिया था। तो बाहर की सारी छोटी मोटी जो भी बची कुची शॉपिंग थी वो सब कंप्लीट करने के बाद, हम लोग घर पे आने के बाद, रेडी होने के बाद हम पहुंच गए सीधा पूजा में। यहाँ पर पापा ने सारी अरेंजमेंट्स पहले से कर लिया था पूजा की और हम रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। We'll be right back.
दिवाली की पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं चली गई थी फटाफट से अपने दूसरे काम में, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारे काम थे, गिफ्ट्स बांटने का काम एंड हमारे गोडाउन में भी पूजा करना था। घर में पूजा करने के बाद हमें सीधा जाना था गोडाउन में पूजा करने के लिए। एंड देन फटाफट से मैं, मम्मी और पापा तीनों हम आ गए थे गोडाउन में पूजा करने के लिए। और यहाँ पर भी मैंने स्टेंसिल से रंगोली बना दिया था और स्टिकर लेकर के चिपका दिया था। तो यहाँ पापा पूजा करने की सारी तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा गोडाउन है, हमने यहाँ पर सारी अरेंजमेंट, मिठाई, दिया, सब कुछ कर लिया है। आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आपकी दिवाली किस तरीके से जा रही है और आप लोगों ने क्या क्या तैयारी करी है, ज़रूर शेयर करना कमेंट में। और यहाँ पर पापा पूरे गोडाउन में धूप बत्ती दिखाते हुए, यार देखो ना। यहाँ पर रंगोली में मैंने दिए नहीं लगाए थे, तो मैंने जल्दी से यहाँ पर घर पे वापस आने के बाद में दिए लगा दिए थे। उससे पहले जब मैं गोडाउन में गई हुई थी, निक ने भी जहाँ जहाँ दिए लगाने थे छत पे और बाकी जगह पे, तो घर पे भी पूरे जहाँ जहाँ कैंडल्स और दिए लगाने थे वो निक ने कर दिया था ऑलरेडी। और जैसा कि दिवाली वाले दिन बैक टू बैक घर पे मेहमान आते रहते हैं, और बस वही सब हम लोगों का चल रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल जो नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो घर की लाइट की डेकोरेशन, जो कि 2-3 दिनों से निक ने लगातार थोड़ा थोड़ा करके लाइट्स लगाए थे, तो ये उसका मतलब नतीजा है। इस तरीके से पूरा घर का जो बाहर से लुक आ रहा है लाइट का, वो आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट पे ज़रूर बताना कि किस कैसा लग रहा है आपको ये लाइट्स का डेकोरेशन। एंड लाइट्स हम लेके आए थे चांदनी चौक मार्केट से, वहाँ पर लाइट वाली मार्केट है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल लाइट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से साइड में भी मतलब हमने लाइट्स का डेकोरेशन करा था। और रंगोली इस बार बस अफसोस है कि मैंने जल्दी जल्दी में नहीं बना पाई थी, तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, सब कुछ थोड़ा टाइमली करेंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई थी। और बैल्कनी में मैं आ गई थी, बैल्कनी से भी आप देख सकते हैं ये हमारे पूरे गली का जो लुक है वो कितना अच्छा लग रहा है दिवाली में। नाउ सब कुछ ख़त्म करके हम लोगों ने स्टार्ट करा अपना पटाखे जलाने का कार्यक्रम। तो क्या है ना कि आई नो पटाखे बैन है, बट थोड़ा बहुत पापा ने कहीं से अरेंज कर दिया था तो पटाखे आ गए थे हमारे घर में। बहुत ज़्यादा नहीं जलाया हमने, बहुत ही कम जलाया है, बस इतना सही जलना था इसको। ये बड़ा वाला फोड़ते हुए चलाते हुए, तुम क्या भाग क्यों रहे हो? अरे काफी वाइगी मेरा निक, ऐसे मत कर। यार उछाल, अब ये टूटू जलाते हुए, ले टूटू बेइज्जती करा दे मेरे भी। ओ क्या?
सो गाइस, दिवाली व्लॉग इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज जरूर बताना कमेंट, और आपने दिवाली में किस तरीके से एंजॉय किया, कैसा रहा आप लोगों की दिवाली ये भी जरूर बताना। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आपके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।